दोस्तों कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एक गुफा के अंदर पंखों वाला बाघ का बच्चा दिखता है जो कि दिखने में कमाल का है कि तभी इस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और अपने बच्चे को उठाकर भाग जाती है। लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट उसे जख्मी कर देता है जिससे ये जानवर भाग पाती नहीं है और कुछ दूर जाकर एक कार से टकरा जाती है जिसमें ये और जख्मी हो जाती है। फिर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे यहाँ छुपा देती है और आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान अपने ऊपर लेकर आती है। ये खबर पूरे शहर में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है क्योंकि ऐसा जानवर पहले किसी ने देखा नहीं है और ये जानवर बकरियों का खून पीता है। किसी को भी पता नहीं है कि वो जानवर कहाँ भाग गया। वो छोटा बच्चा एक घर में छुप जाता है और घर के लोग उसके साथ बड़े आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो आर्कियोलॉजिस्ट बच्चे को ढूंढ लेता है और उसे बेहोश कर अपनी कार में ले जा रहा होता है कि तभी इन बच्चों के दादाजी आ जाते हैं और इस आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही बुरा मारते हैं और फिर इसकी कार चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं।